हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो आई टीच यू अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, चैप्टर क्लास 11 का। तो रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से समझ पा रहा है, जिसमें जो सिस्टम है कुछ प्रोसेस होंगे उसमें हीट गेन करेगा और वर्क करेगा। ठीक है, तो और वो इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएगा और इसका इफेक्ट सराउंडिंग और सिस्टम में कोई इफेक्ट ना, जो रिवर्स हो जाए इफेक्ट भी। ठीक है, और इरिवर्सिबल में जो सिस्टम अपनी सराउंडिंग में आएगा तो चेंजेस रहेंगे सराउंडिंग में। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता सिस्टम और सराउंडिंग, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रोसेस होते हैं, मोस्टली जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल ही है नेचर में। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं इसको। इमेजिन सम प्रोसेस इन विच अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू अ फाइनल स्टेट एफ। आई स्टेट से एफ स्टेट में गया एक सिस्टम। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब क्यू फ्रॉम द सराउंडिंग एंड परफॉर्म वर्क डब्ल्यू ऑन इट। तो वर्क डब्ल्यू वर्क किया। कैन वी रिवर्स दिस प्रोसेस एंड ब्रिंग बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर इनिशियल स्टेट विद नो अदर इफेक्ट एनीवेयर। क्या हम इसको प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, उसका कोई इफेक्ट जो चेंजेस आए ना, वर्क किया उसने और हीट क्या किया उसने, हीट एब्जॉर्ब करी, वापस से वो हीट दे दे। ठीक है, जितनी इतनी हीट ली थी जिस सोर्स से, वापस से हीट दे दे और वर्क भी वापस से रिवर्स कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट फॉर मोस्ट प्रोसेस इन नेचर दिस इज नॉट पॉसिबल। ज़्यादातर प्रोसेस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर आर इरिवर्सिबल। तो जो स्पॉन्टेनियस अपने आप से जो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अभी दिया है यहाँ पर, एक एक वेसल रखा है अवन में। ठीक है, तो अवन में जो वेसल रखा है उसका जो बेस है दैट इज़ हॉटर देन रिमेनिंग पार्ट, है ना। तो नीचे वाला पार्ट ज़्यादा गर्म है, अब हीट कहाँ से फ्लो करेगी? इस वेसल के लोअर पार्ट से और पार्ट में जाएगी हीट और इवेंचुअली वो एनवायरमेंट में चले जाएगी। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो कोल्ड पार्ट्स है इसके, ये खुद से ठंडे हो जाए? ओके, और हीट कहाँ दे रही है? वापस से इसको दे दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, गर्म से ठंडे तो हो जाएंगे लेकिन खुद से। ठीक है, फिर से एनवायरनमेंट में चेंज आएगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, खुद से नहीं हो सकते ना, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है वो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? और अगर जो एनवायरनमेंट की चेंज के, जैसे बाहर सब आप बोलते हैं बाहर, जैसे कि बाहर गर्मी हो गई है, बाहर ठंडा हो गया है, ठीक है, तब क्या होगा? तब तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी इनफैक्ट, लेकिन यहाँ से ये ठंडा होकर वापस से हीट यहाँ नहीं जाएगी खुद से। तो स्पॉन्टेनियस तो क्या, हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी ही फ्लो करती है। ठीक है, कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी फ्लो नहीं कर सकती, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तब बिना वर्क किए हम किसी सब इस पर वर्क करें तब तो फ्लो कर जाएगी, इसे रेफ्रिजरेटर में होता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। सेवरल एग्जाम्पल कैन बी साइटेड। द बेस ऑफ अ वेसल ऑफ एन अवन इज हॉटर देन इट्स अदर पार्ट्स। When the vessel is removed, heat is transferred. मैंने यही बताया आपको, जिसमें ये चीज़ बताई है। ठीक है, इट विल वॉलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इफ इट डिड। द फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इरिवर्सिबल है, गैस एक्सपेंड करती है। अब वो खुद से ही तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगी खुद से। ठीक है, हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी कंप्रेस होगी। द कंबशन रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एग इग्नाइटेड बाई अ स्पार्क कैन नॉट बी रिवर्स। पेट्रोल और एयर इग्नाइट हुआ, स्पार्क बना, अब वापस से वो थोड़ी कर सकते हैं उसको रिवर्स, कि वापस से वो पेट्रोल और वैसे ही हो जाए जैसे इनिशियल कंडीशन में थे। हीट जो हमने बर्न की थी वो वापस से है ना, वो वापस इनिशियल स्टेट में नहीं पहुँचा जा सकता, रिवर्सिबल है। Cooking gas leaking from a gas cylinder in the kitchen diffuses to entire room, ना। तो cooking gas पूरे room में फैल जाती हो, क्या उसको वापस से हम अपने आप आ जाएगा वो ना, अपने आप तो उसको हम उसको वापस से trap नहीं कर सकते cylinder में। The stirring of a liquid in thermal contact with a reservoir will convert the work done into heat. ठीक है, तो अगर हम liquid को stir करते हैं जो एक reservoir के contact में, तो हमने वर्क किया और वर्क से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई
तो इससे रिजर्वायर की इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी, द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स एग्जैक्टली अदरवाइज ड्यू टू अमाउंट ऑफ कन्वर्जन हीट इन टू वर्क। ठीक है, तो वापस से वो हीट से अपने आप वर्क नहीं बन सकता। ओके, तो ये सारे एग्जांपल हमें क्या सोच रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये सारे सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगे। तो इरिवर्सिबिलिटी इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन इन नेचर। जो रूल है, स्पॉन्टेनियसली नेचर में कोई भी चीज़ क्या नहीं हो सकती, इसका रिवर्स में नहीं जा सकती, इनिशियल स्टेट को नहीं गेन कर सकती। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी आती क्या है, क्यों आती है इरिवर्सिबिलिटी? ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी अराइजेज मेनली फ्रॉम टू कॉजेस। पहला, मैनी प्रोसेसेस लाइक फ्री एक्सपेंशन और एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन दैट टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो जो ये भी जितने भी प्रोसेस में जो सिस्टम है ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम था, हीट इक्विलिब्रियम मतलब जैसे है ना, अलग केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो क्या था, हीट फ्लो नहीं करी, दो बॉडीज थी वो हीट फ्लो नहीं कर रही थी। तो इसमें क्या होगा, जब प्रोसेसेस होंगे, केमिकल प्रोसेसेस थर्मल जो उसमें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। हायर क्लास में ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, एंट्रोपी बढ़ेगी। और एंट्रोपी तो फिर हायर क्लास में इसको पढ़ोगे कि इसमें जो माइक्रो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं जब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वो उसको प्रेफर करता है। नेचर क्या है, मोर एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है रैंडम है, जैसे कि आपके रूम को ही देखो, आपका रूम को अगर कुछ दिन तक आप क्या कर रहे हो, रोज अपने रूम में आते हो, तो चीज़ें क्या होने लगेगी, बिखरने लगेगी। मतलब आप उसको वापस से आपको क्या करना, अगर आप रोज उनको ठीक से अपनी जगह पे नहीं रखे चीज़ों को, तो आप देखो कुछ दिन में पूरा मैस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ने लगेगी। वैसे कुछ यहाँ हो रहा है, तो इसको डिटेल में पढ़ोगे, ये छोटी सी चीज़ लाइन लिखी है यहाँ पर, डिटेल में बहुत कुछ इसमें एंट्रोपी में। ओके, हायर क्लास में उसको देखोगे। दूसरा, मोस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड अदर डिसिपेटिव इफेक्ट्स। मूविंग बॉडी कमिंग टू स्टॉप एंड लूजिंग इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज हीट टू द फ्लोर एंड द बॉडी। रोटेटिंग ब्लेड इन अ लिक्विड कमिंग टू स्टॉप ड्यू टू विस्कोसिटी एंड लूजिंग इट्स मैकेनिकल एनर्जी विद कॉरस्पॉन्डिंग गेन इन द एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो बहुत सारे डिसिपेटिव इफेक्ट्स होते हैं विस्कोसिटी फ्रिक्शन, उसकी वजह से हीट में और डिफरेंट एनर्जी लॉसेज होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ही प्रेजेंट होंगे, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से कम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, उसको तो वापस से रिगेन नहीं कर सकते इसलिए इरिवर्सिबल है, ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अभी रिवर्सिबिलिटी की बात कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, आर थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस स्टेट आई टू स्टेट एफ इज रिवर्सिबल इफ द प्रोसेस कैन बी टर्न बैक सच दैट बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। तो एक प्रोसेस है थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस, ये रिवर्सिबल कब होगा, अगर इसको हम सिस्टम और सराउंडिंग को इनकी ओरिजिनल स्टेट पर ले आए और पूरे यूनिवर्स में कहीं भी इसकी वजह से चेंज ना आए। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन, a reversible process is an idealized notion. A process is reversible only if it is quasi-static. ठीक है, तो reversible कब, हमने देखा previous discussion से तो समझ में आ रहा है कि reversible process तो practically तो नहीं हो सकता, idealized notion है, एक theory में ही हो सकता है, और वो भी कब, जब process कैसा हो, quasi-static हो। कॉजेज स्टैटिक मतलब देखो, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एट एवरी स्टेट। ठीक है, जैसे कि क्या कर रहे हैं, एग्जांपल यहाँ दिया है, एग्जांपल कॉजेज स्टैटिक तो समझ में आएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस है ना, सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पुली इज अ रिवर्सिबल। एक ना ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और ये फ्रिक्शनलेस है। पहली बात तो फ्रिक्शनलेस कैसे बना दोगे आप, है ना, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो हो गई प्रैक्टिकली। फिर आइडियल है, थ्योरी में फ्रिक्शनलेस बना दिया, आइडियल थ्योरी में मान लिया फ्रिक्शनलेस है, और इसको भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे मतलब सेम टेम्परेचर में, वो कैसे होगा? और ठीक है, मतलब देखो थोड़ा सा इसने हीट गेन की, बहुत कम, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट गेन करी। ठीक है, तो इसने जब ऐसा करेगा तो
एक्सपेंड कर दिया है ना, बहुत छोटा एक्सपेंशन होगा इसमें, तो हर एक स्टेट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में आता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जब वॉल्यूम में चेंज आया फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, वेरी स्मॉल। तो इस तरह से बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होते रहेंगे, इसे कॉज स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। थियोरी में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इसे पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। वाई इज रिवर्सिबिलिटी सच अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन थर्मोडाइनमिक्स? तो क्यों है रिवर्सिबल एक बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है रिवर्सिबिलिटी को, ठीक है। देखो इसका आंसर यहाँ दे रखा है, एज वी हैव सीन वन ऑफ द कंसर्न ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द एफिशिएंसी विद विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात की थी कि कितना हीट हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। एनर्जी वेस्ट कम से कम हो, 100% तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी। तो सेकेंड लॉ इसको 100% एफिशिएंसी को हटा देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉसेस होंगे ही होंगे। बट वॉट इज द हाइएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वर टेम्परेचर T1 एंड T2? तो कितना हाइएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल है, दो रीजन का टेम्परेचर T1 एंड T2 है। इट टर्न्स आउट दैट द हीट इंजन बेस्ड ऑन एन आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव द हाइएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हाइएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसलिए हम तो कंपेयर कर पाएंगे अपने रिवर्सिबल हीट इंजन को, है ना, उसको कंपेयर कर पाएंगे रिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है। तो आइडियलाइज हीट इंजन से कंपेयर करूँगा, कार्नोट इंजन का एग्जांपल है एक आइडियल हीट इंजन का। ऑल अदर इंजन इन्वॉल्विंग रिवर्सिबिलिटी इन एनी वे हैव लोअर देन दिस लिमिटिंग एफिशिएंसी, इस एफिशिएंसी से कम होगी इनकी एफिशिएंसी। तो हम आइडियल केस की बात करेंगे, ठीक है, किस में, जब रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तभी हम आइडियल केस की बात कर सकते हैं, और जस्ट इससे कंपेयर करेंगे कि इसके कंपेरिजन में कितना, ठीक है। तो आई होप कि इस पैराग्राफ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कार्नोट थ्योरम और कार्नोट हीट इंजन को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।